गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं फाइनली हो गई हूँ रेडी। तो ये देखिए मेरा लुक और मैं कैसे लग रही हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज मैंने ये जो भी मेकअप किया है मैंने खुद किया है और घर का पूरा काम करने के बाद मैंने ये मेकअप किया है। प्लीज आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। आई होप आप लोग बहुत अच्छा लगा और क्योंकि मैं गर्मी में घर का पूरा काम करने के बाद सब लोगों के लिए खाना बनाने के बाद मैं रेडी हुई हूँ। थोड़ा अपने लिए टाइम निकाली हूँ और कैसे लग रही हूँ ये भी बता दीजिएगा आप लोग। और अगर फुल वीडियोस देखनी है तो अभी मैं जब डांस वीडियोस बनाऊँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं पिक वगैरह डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी मेरे घर पे भी गेस्ट नहीं आए हैं तो लोग रेडी हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। मौसम बारिश वाला, गर्मी बहुत हो रही है। अभी मैंने देखो अभी फोन ही बनाया है, मैंने अभी बालों का कुछ भी नहीं किया है तो अभी ठीक बात। इधर मेरा भाई है और अभी इधर मैं हूँ और यहाँ बहुत गर्मी है। सब डेकोरेशन हो रखा है, मतलब बैलून वगैरह, क्योंकि बैलून ज़्यादा लगाने के बच्चे लोग सब फोड़ देते ना, उसके बाद अच्छा नहीं लगता। फिर अभी 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी है तो इसीलिए। और आज भाई बहुत ही गर्मी थी गाइस, से 2 दिन से लाइट आ रही है, जा रही है तो अभी भी बहुत ही सुंदर हवा आ रही है, बहुत ताज़ा हवा आ रही है क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो गया है। और मैंने वीडियो से शूट की हूँ, मुझे टाइम मिल गया क्योंकि अभी घर पे गेस्ट नहीं आए हैं, थोड़ा लेट आ रहे हैं तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और रेडी होने के बाद अब लोगों के साथ मैं बातें कर रही हूँ। आज मेरे घर पर मेरी नाना जाना बच्ची है, अभी मेरे दो देवर हैं, इधर मेरा भाई भी है कमरे में, तो सभी लोग हैं। अभी और लोग आने वाले हैं तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से। अभी फिलहाल अभी घर का सभी काम करने के बाद ये मेरी ननद है जो रेडी हो रही है, ठीक है, जो रेडी हुई नहीं है। मैं रेडी होगी पहले क्योंकि मैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो तो रेडी होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब गेस्ट आ जाते तो टाइम नहीं मिलता है रेडी होने का, तो मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ। बाबू अब मार्केट गए हैं केक लेने, क्योंकि अभी केक लेके नहीं आए। और अभी पिन अप करते करते मेरे हाथों में पिन छूट गया गाइस, तो बहुत ज़्यादा ब्लडिंग आ रही है मेरे हाथों से, तो बहुत ज़्यादा जलन भी हो रहा है और बहुत ही सुंदर सा है। और मैंने अभी अपनी मम्मी से वीडियो कॉलिंग के बाद मेरी मम्मी बोली कि मैं जैसे शादी में लग रही थी एकदम वैसे ही लग रही हूँ। हाँ वो सब शादी में मेरा ये गेटअप नहीं था और ये साड़ी में मैंने ये जब ब्लाउज ये जब मैंने लहंगा लिया था तो बहुत लोगों को पसंद नहीं था और अब सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अब इसको स्टिच करा, स्टिच करके अच्छे से रेडी हो गई उसको पहने तो बहुत अच्छा लगा। आप लगाना, अब लगा बटे सीधा खड़ी हूँ, चलो आ जाओ, एक एक करके मैं वीडियो बना रही हूँ।
सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आए हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो गाइस, आज ब्लॉग में नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मेरा कोई वीडियोस भी शूट नहीं किया, सिर्फ जो मैंने केक कट किया था बस वही वीडियो शूट हुए। अदरवाइज जो भी हमने डांस वगैरह किया था, किसके फ़ोन में शूट हो रहा था पता नहीं गाइस। तो कल हमने फुल मस्ती किया। अगर कोई वीडियोस होगी तो आई होप मैं उस वीडियो को ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इतना एंजॉय किया सब सिस्टर के साथ में, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। और गाइस ये देखिए, कल से मेरे को ये देखिए कितना प्रॉब्लम, तो एकदम ये पपड़ी सी पड़ गई है। तो अभी जो आम वगैरह आ रहे हो पके पकाए, उनको पकाया जाता तभी वो आते हैं केमिकल से, ठीक है। और मैंने खा लिया ये आम, ये देखो मेरे आम निकल गए यार। देखे दो दो दाने, एक दाना निकल गया, ये पता नहीं कैसा एकदम सा जल गया जैसे स्किन पे। मैं कभी आम ऐसा खाती नहीं हूँ, पर मेरे को ऐसा सूट नहीं किया गाइस, बाबू मना कर रहे थे तभी। सो गाइस, आज का लुक ये देखिए। और कल बहुत ही ऑसम था गाइस, बहुत अच्छा था। और अभी भी घर का डेकोरेशन देख सकते हैं, सब बच्चे ने बैलून सैलून तो फोड़ फाड़ दिए। आपको पता है बच्चे जहाँ रहते हैं वो बैलून से रहता नहीं है, वो बच्चे तोड़ देते। अभी देखो, अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, अभी भी बैलून से रैपर में रखा हुआ है। और मेरा बर्थडे अभी दो दिन बाद है गाइस, तो नहीं दो दिन बाद नहीं, आज और कल छोड़ के परसों मेरा बर्थडे है। तो बर्थडे में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, रीजन मैंने बता दिया था बर्थडे क्यों नहीं मना रही हूँ। बर्थडे का केक मैंने कल ही कट कर दिया, बर्थडे के दिन कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा कहीं घूमने फिरने में बेशक चली जाऊँ, अलग बात है। फिलहाल बर्थडे के दिन में कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपना बर्थडे कट चुकी हूँ केक, ठीक है। इस बार भी मेरा ऐसा ही हुआ, बर्थडे के दिन एनिवर्सरी के दिन ही मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया, दोनों इन्जॉय हो गया। और सो गाइस, अब उसके बाद का बताती हूँ। घर में मेहमान जाने के बाद घर में कितना खिलेरा होता है। अभी ये देखिए, अभी हम लोग इधर सोए हुए थे, बिस्तर लगा हुआ था, बहुत मेहमान अभी सोए थे, तो सब लोग चले गए हैं, मेरे हस्बैंड छोड़ने गए हैं, अपने भाइयों को छोड़ने गए हैं। और उसके बाद बताती हूँ, सबसे बुरा जो हाल होता है वो है मेन किचन का, सबसे बुरा हाल किचन का है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी किचन पूरा खराब हो रखा है पूरा, ठीक है। इधर भी पूरा बर्तन भरे हुए हैं, जो कल मेहमानों के लिए खाना बना था, पूरे इधर डिस्पोजल ग्लासेस रखे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। और ये देखिए मेरा लुक, तो धूप भी निकलने लगी। और कल इतना मौसम अच्छा था, इतना अच्छा था, क्योंकि कल बारिश हुई थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदेबांदी हुई थी, तो अच्छा मौसम हो गया था, ठंडा मौसम हो गया था। और अभी इतनी पसीने हो गई, देखो कल मैंने लहंगा पहना था, उसकी किड़किड़ी लगी हुई मेरे गले में, हाथों में, देखो। तो मैंने गाइस चूड़ा उतार दिया, क्योंकि ना चूड़े में ना कल डांस वांस काफ़ी हुआ। फिर चूड़ा का मतलब ये होता है कि आप पहनते हो, उसको उतारना नहीं चाहिए, पर गाइस क्या होता है ना, चूड़ा में मैं अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ अपने आप को। जब मैं लेटती हूँ तो मुझे चूड़ा नहीं होना चाहिए हाथ में, क्योंकि मेरे चूड़े ये घिस घिस के ना कलाइया में कट जाते हैं। तो मैंने अपना चूड़ा वहाँ रख दिया है। तो गाइस ये है हमारा छोटा सा आशियाना, जिस पे हम और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को जो गिफ्ट किया था वो सामने है, और मेरे हस्बैंड को बहुत 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 पसंद आया था। हाँ मानते हैं छोटा था उनके लिए, मेरे तरफ से मुझे लग रहा था छोटा गिफ्ट है, पर उनके लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट था। उनका मान ये था, छोटा या बड़ा हो गिफ्ट गिफ्ट होता है, पैसे नहीं देखते हैं, चाहे वो एक रुपये का हो या पाँच रुपये का, उनके लिए मायने रखते। देखो उन्होंने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को इस बार इतना सारा चीज़ दिया, उन्होंने बहुत सारा चीज़ मेरे को दिया इस बार, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि चलो, उन्होंने एक बार भी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम्हारे को जो वो क्या यार, वो गर्मी बहुत हो रही है गाइस, मैंने कूलर भी बंद कर रखा है। तो कभी वो नहीं बोलते कि तुम्हारा कोई चीज़ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, बाबू आ जाए मैं आपको देखती हूँ। ये देखो बाबू,
तो गाइस ये आ गए हैं अपने भाई को छोड़ के, और मैंने इनके लिए आज बनाया है। सुबह सुबह घर पे बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने बनाया है नमकीन चावल। गाइस नमकीन चावल बनाने के बाद मैं अभी घर का बहुत सारा काम करूँगी, तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि सब जितने भी रैपर ऊपर हैं उनको मैं थैले में डाल के रख दूँगी, रात को फेंक के आऊँगी। और बहुत गर्मी, सो गाइस अभी मैं बैठ जाता हूँ, मैं थक गया हूँ। तो गाइस मैं वीडियो यहीं से समाप्त करती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग हो गया बहुत बड़ा, और मैं और भी काम कर लेती हूँ घर का। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, जो भी वीडियोस हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे अभी रील्स नहीं आ पाए हैं, आई होप कि अगर कुछ मेरे डांस वीडियोस आए होंगे तो वो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में शूट नहीं हुआ है, मेरे सिस्टर के फ़ोन पे शूट हुआ है तो मैं उसे ले सकती हूँ। और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जो भी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है गाइस आप तक पहुँचता रहे। जय श्री राम, बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।